हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। तो भाई, लास्ट एपिसोड के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस थी, उन्होंने अपनी असॉल्ट की, इन्वेजन की, अल असद को कैप्चर करने के लिए बिल्डिंग पे अटैक किया, पर पता चला कि भाई अल असद उनको गोली करा के वहाँ से गायब हो चुका है। और उसके बाद फिर फोर्सेस ज़ाहिर है इन्वेजन कर चुकी थी, तो फाइटिंग चल रही थी सिटी के अंदर। और उस फाइटिंग के दौरान एक टैंक जो है अमेरिकन फोर्सेस का, वो कहीं फंस गया है ख़राब होकर। और अब हमारा जो काम है वो ये है कि उस एरिया को जाके हमने सिक्योर करना है, ताकि इंजीनियर वहाँ जाके उस टैंक को रिपेयर कर सकें और उस टैंक को वहाँ से निकाला जा सके। तो शुरू करते हैं। यूएस मरीन कोर सर्जेंट पॉल जैक्सन, एक्शन जैक्सन, याद आती है नाम सुन के। Roger, on location. Repeating, dispatch grid 527619er. Over. Bravo 6 copies. Over. Get our tank. Bravo 6, we have an Abrams dead in the water. Call sign, Warpig. Lieutenant Vasquez, your unit is shotgun. Over. Copy. Bravo is inbound. Tell Warpig to stand by. We're on our way. Out. चलो भाई, लोडिंग कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, क्या हो Alpha Company's tank is stuck half a click north of here. We gotta hustle. Let's go. चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। हाईवे डाउनटाउन, क्या स्कोप है ये! हालो मैंने पहली बार देखा है भाई, हालो ही है ना ये। क्या था? हाँ, आई थिंक ये बेहतर है। अबे साले, शर्म हया नहीं, ऐसे भला मारता है कोई? लगे रहो तुम लोग, हम तो निकल रहे। नाइट विजन पे तो कर लें, पर अच्छा खासा तो नजर आ रहा है यार। नाइट विजन का फायदा तो तब होता कि भाई ओके हाँ, मैं बोल रहा था कि भाई नाइट विजन का फायदा तो तब होता अगर दुश्मन को जो है नजर कुछ ना आ रहा होता और हमें एज मिलता। ऐसे ही इतनी रोशनी है कि भाई नाइट विजन का फायदा ही कोई नहीं। अबे साले, मुंह पे मत निकला करो, कितनी बार बोला है। वैसे ही मुंह से फिर गंदी गाली निकल जाएगी मेरे, फिर बोलोगे इज्जत हो गई हमारी। पूरा दिमाग हिला के रख देते हैं यार। एनिमीज ही है ना, मैं कंफर्म कर रहा था। मैंने कहा ये ना हो मैं जनाब साहब मशीन गन पकड़ के फायर खोल दूं और पता चले वो अपने साथी थे। आने दो आने दो आने दो, कौन आएगा, कहां से आएगा? ओके, मजीद जल्दी करनी है हम लोगों ने। से पीक करते हुए ग्रेनेड क्यों फेंकते हो यार, ग्रेनेड वाली मजाक नहीं हुआ करती। वैसे मैं क्यों नहीं फेंक रहा ग्रेनेड, मुझे भी फेंकने चाहिए यार। ओ तेरी खैर, छक्का हुआ ना फायदा भाई। हथियार, अरे मर गया मैं। कौन मार रहा है, कहां से मार रहा है, कैसे मार रहा है, क्या हुआ था ये? ओके, इस बार नहीं मरूंगा, अब नहीं मरूंगा। किधर है तू, कहाँ है तू, कौन था, कहाँ गया, ऊपर था, तू क्या कर रहा है? टाइपिंग कर रहा था। यहाँ पे कोई है? ओ कोने में छुप के बैठा हुआ।
ऑलमोस्ट मुझे ये लगा आगे भाई छत क्लियर है। यार क्यों इतनी बुरी फायरिंग कर रहे हैं ये लोग, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पर दो चार बंदे ही तो मारे हैं इनके, इनके मुल्क में घुसाए हैं जो कि शायद इनके भी, इनका भी नहीं है, इनके एलाइज का। और क्या किया है हमने? अबे किधर गया जैवलिन, मैंने उठाना है। ओके इधर है व्हीकल्स, ओवरहेड ब्रिज पे थी ना। नाइस क्या आएगा वापस और गोल, अनदर किक गोल, हो गया कंप्लीट, बस दो ही थे। इधर भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, चलो जाओ भागो, खैर है। ओके मूव ऑन करते हैं। हेलो रिक्स भाई, तू कवर में बैठा है, छुपा हुआ नहीं है? चलो कोई बात, इजी भाई। ये क्या है, मार्केट है? ओ टैंक वाली इस जगह की हालत खराब है, हमला हो रहा है उनपे, जल्दी करनी पड़ेगी। भागो 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 भागो, भाग ले भाई, क्या है तुझे? मैं क्या जाना है इसमें, प्रिंट ही नहीं कर सकता। अरे यार यहाँ तो कबाड़ा ही कबाड़ा है। मार गया मैं, मर गया मर गया मर गया, मारो 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 रज के मारो। दो मिनट वेट करते हैं यहाँ पे। ओके एक तो ये गाड़ी इसे तबाह कर दें, नहीं तो ये अचानक फट जाएगी गलत टाइम पे। अब सफाया करना शुरू करते हैं इनका। मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लूं। अबे ग्रेनेड मत फेंका करो यार, चलो तू भाग बैठ के खुद को बादशाह समझ रहा है? ये देखा गाड़ी जब गलत टाइम पे फटती है तो मरना नहीं मरना नहीं मरना नहीं, जिंदा रहना है जिंदा रहना है। भाई मैं इससे कैसे बचाऊं मुझे नहीं पता, बस इतना पता कि मैं बच गया हूं। ओ भाई ये क्या था भाई, बदतमीजी इतनी हैवी किस्म की। अरे भाई ये बहुत ज्यादा है, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। हाँ बहुत अच्छी जगह छुपा है, कुर्सी के पीछे, क्या कवर में हूं मैं। ये कैसे मरा है, इसे तो मैंने बुलेट भी नहीं मारी। ओके तो एंटी एयर जो गन थी वो हो गई है तबाह, तो अब एयर सपोर्ट अवेलेबल है।
ये हमने बीकन लगानी है ताकि हमारी लोकेशन जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आएगा उसे मिल सके। एयर सपोर्ट और ताकि हेलीकॉप्टर हमें शूट ना करे, उसे पता हो कि फ्रेंडलीज का एरिया कौन सा है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है। ये चीज चीथड़े उड़ा दिए बिल्डिंग के, क्या बचाया है? ये हुई ना बात। नहीं भाई कोई नजर नहीं आ रहा। ओके तो ऑब्जेक्टिव हो गई। वी आर रिग्रुप, मुझे ना मारना भाई। डोनली डोनली तो नहीं है, सर्जेंट ट्रॉय। We don't have much time to get this tank out of here. We'll take up defensive positions around the bog, here, here, and here, and buy the engineers some time to get the tank moving. Hurrah! Yes, sir! Much kuch nahi aaya mujhe. Khair. Tank ko bhi bacha liya gaya hai. Ab kya karna hai? Kya hum switch kar rahe hain? Yes, we are switching back to SAS. कैप्टन प्राइस साहब कहाँ पर हैं? और सोप ये अभी रास्ते में ही है। ये क्या हुआ? लोडिंग। यस ओके। सो भाई इन्वेजन के बाद टैंक को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू तो फिलहाल पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि टैंक अभी चलने के काबिल नहीं है। इंजीनियर्स ने आना है, उसे रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर टैंक को मूव करवाएंगे इस एरिया से निकालने के लिए। बाकी दूसरी तरफ अब हम स्विच कर रहे हैं प्राइस के स्क्वाड की तरफ, SAS की तरफ। तो वो तो अभी निकोलाई को लेकर रास्ते में ही है, जा रहे हैं वापस। तो देखते हैं कि भाई उनके सफ़र में आगे क्या एडवेंचर है। तो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुदा हाफिज़।